मित्सुओ सुमीरे को गिरने से तो बचा लेता है, पर वो खुद सुमीरे के तीखे सवालों से नहीं बच पाता। सुमीरे मित्सुओ से कई सारे सवाल तो कर ही रही होती है, पर इसके साथ वो मित्सुओ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट भी कर रही होती है। अब मित्सुओ सुमीरे के इन सभी बातों को और बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसका मतलब ये नहीं था कि मित्सुओ सुमीरे के गुस्से से फ्रस्ट्रेट हो गया है। मित्सुओ जानता था उसने जो सुमीरे के साथ किया है उसके बाद सुमीरे को गुस्सा आना लाजमी है, पर वो इस बात से फ्रस्ट्रेट हो गया था कि सुमीरे जिस तरह के एलिगेशन मित्सुओ पे लगा रही थी वो उसे डिजर्व नहीं करता था। इसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। हाँ, उसने बर्डमैन की धमकी को नज़रअंदाज करके गलती की थी, पर ये इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं थी। अब मित्सुओ कहता है, सुमीरे मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देना चाहता हूँ। सुमीरे कहती है, कौन सा सच? मित्सुओ कहता है, वो दरअसल मुझे सच तुम बताना ही चाहिए था, पर अगर मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा तो न जाने तुम आगे मेरे बारे में क्या क्या सोचती रहोगी। सुमीरे कहती है, जो कहना चाहते हो जल्दी बताओ। और मित्सुओ बोलता है, सुमीरे सच तो ये है, मैंने तुम्हें कभी दिल से पसंद किया ही नहीं। सुमीरे जैसे ये सुनती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया मित्सुओ, ये तुम क्या कह रहे हो? मित्सुओ कहता है, मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ सुमीरे, कल रात हमारे बीच जो भी हुआ मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं इसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, पर मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम दोनों इतना ज़्यादा करीब आ जाएंगे, पर ऐसा हुआ। मैं कभी नहीं चाहता कि हम दोनों इतना करीब आएँ। मेरे मुताबिक अगर हम दोनों अच्छे दोस्त बन के रहें तो वही सारा अच्छा होगा सुमीरे, मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस बात को माइंड नहीं करोगी। सुमीरे फिर से बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू आने लगते हैं और वो कहती है, इतना सब कुछ होने के बाद तुम कह रहे हो मैं इस बात को माइंड नहीं करूँगी? तुम क्या समझते हो अपने आप को मित्सुओ? मैं नहीं जानती, तुम जानते हो मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब बस इतना कहूँगी, आई लव यू मित्सुओ, आई लव यू सो मच। तुमसे प्यार किया है, बस तुमसे ही प्यार करूँगी, पर शायद तुम इस प्यार को अब कभी जीत नहीं पाओगे। और इतना कहते हुए सुमीरे वहाँ से चली जाती है। सुमीरे जा रही थी, मित्सुओ से रोकना चाहता था पर नहीं रोक पाता। मित्सुओ के जज्बात भी उसकी जवां पर आ ही जाते हैं और वो कहता है, आई लव यू टू सुमीरे, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे भी यही लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार को कभी नहीं पा पाऊँगा और शायद मैं इसके काबिल भी नहीं हूँ। और उदास होकर वो भी वहाँ से चले जाता है। अब फाइनली रेसेस ख़त्म होता है और दोनों क्लास के अंदर आते हैं। मित्सुओ अपनी सीट पर जा रहा होता है तो उसकी नज़र सुमीरे पर पड़ती है जो कि उदास होकर अपनी बेंच पर बैठी होती है। वो सुमीरे से बात करना चाहता था पर वो कुछ नहीं कहता और सीधा जाके अपनी सीट पर बैठ जाता है। इसके बाद टीचर आती हैं और अपना लेक्चर कंटिन्यू करती हैं और पूरे के पूरे दिन मित्सुओ बस अपनी बेंच से सुमीरे को उदास ही देखता है। इन सभी चीज़ों के लिए मित्सुओ खुद को जिम्मेदार मान रहा था पर वो कर भी कह सकता था। फाइनली स्कूल की छुट्टी होती है और सभी बच्चे घर जा रहे होते हैं। मित्सुओ भी सीधे अपना बैग उठाता है और सुमीरे की तरफ बिना देखे क्लास से बाहर निकल जाता है और वो स्कूल के बाहर बिल्कुल भी नहीं रुकता और सीधे अपने घर की तरफ मुड़ जाता है। जब सुमीरे स्कूल के बाहर आती है तो वो देखती है मित्सुओ वहाँ पर नहीं है। उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है पर शी कांट एबल टू डू एनीथिंग। वो भी अपने घर की तरफ बहुत उदास होकर निकल जाती है। कुछ देर बाद मित्सुओ अपने घर पहुँच जाता है और जैसे ही वो घर का दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम उसका गेट पर ही वेट कर रही हैं। मित्सुओ को देखते हुए उसकी मॉम उससे पूछती है, क्या तुम्हारी सुमीरे से बात हुई? क्या तुमने उससे माफ़ी मांगी? मित्सुओ कहता है, मॉम माफ़ी मांगना तो छोड़िए, मैं उससे नज़र तक नहीं मिला पाया और शायद कभी मिला भी ना पाऊँ। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता और प्लीज़ आप मुझे परेशान मत कीजिए। और वो अपने रूम में चले जाता है। वो अपने रूम में जाते ही अपनी चेयर पर बैठ जाता है और टेबल पर सर रख के अपने आप को कोसने लगता है। वो कहने लगता है, मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मैंने सुमीरे से ये कह दिया कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, अब वो ना जाने क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, उसके दिल पर ना जाने क्या बीत रही होगी, कितना बड़ा ब्लेंडर खड़ा कर दिया है मैंने अपने लिए। मैं चाहता तो मैं उस बात को कुछ और कहकर भी टाल सकता था पर मैंने सुमीरे को ये कह दिया कि वो मुझे पसंद ही नहीं है, पर अब क्या होगा। मित्सुओ के दिमाग में कई तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ रही थी पर वो धीरे धीरे अपने आप को शांत करता है और कहता है, अब शायद जो भी हो पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सुमीरे से बात कर पाऊँ, उसे नज़रें मिला पाऊँ। और इन्हीं सही बातों को सोचते सोचते ड्यूटी का टाइम हो जाता है पर आज उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो परमैन शर्ट पहन के ड्यूटी के लिए निकल सके। अब बर्डमैन मित्सुओ को मॉनिटर कर रहे थे, जब वो देखते हैं कि मित्सुओ अभी तक ड्यूटी पर नहीं पहुँचा है तो वो खुद ही मित्सुओ के घर पहुँच जाते हैं उससे इस बात का कारण जानने के लिए। मित्सुओ अभी भी अपने टेबल पर हेड डाउन करके बैठा हुआ था। बर्डमैन जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो वो मित्सुओ से कहते हैं, मित्सुओ तुम अभी तक ड्यूटी पर क्यों नहीं पहुँचे? मित्सुओ अपनी नज़रें उठाता है तो वो देखता है वहाँ पर बर्डमैन खड़े हुए हैं। मित्सुओ कहता है, बर्डमैन आप मेरे साथ पयान या बोबी में से किसी एक को आने के लिए कह दीजिए, मैं आपसे पाको के साथ ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा। बर्डमैन कहते हैं, ऐसा क्यों? मित्सुओ कहता है, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना सब कुछ होने के बाद मैं सुमीरे को फेस कर पाऊँ, मैं उसके साथ काम कर पाऊँ।
प्लीज़ बर्डमैन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। बर्डमैन कहते हैं, अगर तुम चाहो तो मैं सुमेरे को ड्यूटी से हटा लेता हूँ ना। मित्सो कहता है, नहीं आप प्लीज़ बर्डमैन, आप उसे ड्यूटी पर से मत हटाइएगा, बस आप मेरा ड्यूटी शिफ्ट उसके साथ से अलग कर दीजिए। मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ ही नहीं पाएगी कि मैं उसके साथ काम कर सकूँ, प्लीज़ बर्डमैन। बर्डमैन कहते हैं, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इस बारे में सोच के सहमति दे दो कि मैं सुमेरे को ड्यूटी से हटा दूँ, मैं उसे परमानेंटली तुम्हारे साथ से हटा दूँगा, या फिर उसके साथ मिलकर काम करो, चाहे तुम्हारे बीच में कुछ भी हुआ हो, पर तुम लोग एक टीम हो और तुम लोग को साथ में काम करना ही होगा। मैं कल तक सुमेरे को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में था, मैं मानता हूँ मैंने ये कहा कि मैं उसे बहुत जल्द हटा दूँगा, पर ये भी तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसे हटवाना चाहते हो या फिर नहीं। मित्सो कहता है, मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता। मित्सो से बर्डमैन कहते हैं, तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम इससे कैसे डील करोगे, जल्द से जल्द अपना परमानेंट शर्ट पहनो और ड्यूटी पर चले जाओ। और बर्डमैन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। अब मित्सो बहुत गहरी सोच में पड़ जाता है कि वो सुमेरे को फेस कैसे करेगा, पर बर्डमैन का ऑर्डर वो डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक बार डिनाई करने की वजह से वो पहले ही इसकी एक बहुत बड़ी कीमत दे चुका है और अब वो दोबारा से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। तो सिंपली वो अपना परमानेंट शर्ट पहनता है, अपने रोबोट को एक्टिवेट करता है और अपनी ड्यूटी पर निकल जाता है। पामैन अपने रोज़ वाले स्पॉट पर पहुंचता है तो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि पाको यहाँ पर नहीं आएगी, पर पाको को पता है कि जो भी उनके बीच हो रहा है ये सब उनका पर्सनल मैटर है और इससे उनकी ड्यूटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। पामैन पाको से कुछ नहीं कह पाता और वो सिंपली दोनों अपनी ड्यूटी पर निकल जाते हैं, पर रास्ते में उनकी टॉन्ट वॉर स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले पाको परमैन से कहती है इनडायरेक्ट वे में, पहले किसी को पसंद करो और फिर बाद में ये कह दो मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें कभी दिल से पसंद कर ही नहीं पाया, अगर पसंद कर ही नहीं पाए तो इतना टाइम वेस्ट ही क्यों करा, न जाने मेरी फीलिंग्स को हर्ट करके इसे क्या मिला। मित्सो भी इनडायरेक्ट वे में रिप्लाई करता है, आज के टाइम में एक बार बोले हुए वर्ड्स ही परमानेंट हो जाते हैं, पर कोई भी उन वर्ड्स के पीछे की मजबूरी नहीं देखता। अब सुमेरे को ये जवाब काफ़ी ज़रा ऑकवर्ड लगता है और वो अपने आप को नहीं रोक पाती और वो मित्सो से पूछ ही लेती है, तो बताओ तुम्हारी मजबूरी क्या है, तुम्हारी मजबूरी सिर्फ ये है कि तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे और जब तुम्हें लगा कि अब और टाइम पास नहीं करना चाहिए तुमने ये बोल दिया कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें दिल से पसंद नहीं कर पाया, ये है तुम्हारी मजबूरी। मित्सो कहता है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, हमें ये सब बातें यहाँ पर नहीं करनी चाहिए, ड्यूटी पर ध्यान दो। वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों ही अलग अलग स्पॉट्स पे जाके लोगों की हेल्प करने लगते हैं, पर आज वो दोनों कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से हाल ही में हुई कॉन्वर्सेशन ने उन्हें और अपसेट कर दिया था। इसके बाद वो दोनों ऊपर से शहर पर निगरानी रख रहे थे, तभी मित्सो की नज़र एक पार्क में बैठे हुए एक आदमी पर पड़ती है जो कि काफ़ी ज़रा सस्पिशियसली रिएक्ट कर रहा था। मित्सो को काफ़ी ज़रा अजीब लगता है तो उस आदमी के पास जाके पूछता है, सर आप ठीक तो है ना। वो आदमी जवाब देता है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ पामैन। पामैन बोलता है, आप प्रॉब्लम है लेकिन आपके साथ हुआ क्या है। वो आदमी कहता है, मेरा नाम है अजीरो यूसुटा और मैं इस शहर के एक मैनेजमेंट कंपनी का हेड हूँ, पर आज मेरा आगे इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है कि मैं उसके बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूँ। पामैन कहता है, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है, आप बताइए मुझे। वो आदमी कहता है, हमने एक प्रोग्राम होस्ट किया था जहाँ पे कुछ परफॉर्मर्स को आना था, पर उन्होंने एंड टाइम पर आने से मना कर दिया। जब मैंने उनसे कारण पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया कि लास्ट टाइम आपने हमें कैंसिल किया, इस बार हम आपको कैंसिल कर रहे हैं। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि एक घंटे के अंदर मैं नए परफॉर्मर्स कहाँ से लेके आऊँ, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है पर कोई भी इतनी जल्दी आने के लिए तैयार ही नहीं है। पामैन कहता है, ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, तो आप परफॉर्मेंस करवाइए ही मत ना। मिस्टर अजीरो कहते हैं, मैं ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, अगर मैंने ऐसा किया तो पूरे मार्केट में मेरे कंपनी की एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाएगी, कोई भी हमारे साथ डील नहीं करेगा, और अगर कोई हमारे साथ डील नहीं करेगा तो मार्केट में नहीं रह पाएंगे, मैं क्या करूँ मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब पामैन मिस्टर अजीरो को ऐसे देख के बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहा होता है, तो वो बोल पड़ता है, मिस्टर अजीरो आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। और वो डायरेक्ट पाको के पास पहुँच जाता है। जब वो पाको के पास पहुँचता है तो वो उससे कहता है, पाको मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। पाको बोलती है, और मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगी। तो पामैन कहता है, मुझे अपने लिए नहीं उस आदमी के लिए चाहिए। पाको बोलती है, वो कौन है। और पामैन पाको को पूरी बात बताता है। पाको बोलती है, तो हमें करना क्या है। पामैन कहता है, हमें सिंपली परफॉर्म करना है। पाको बोलती है, क्या ये मुश्किल नहीं होगा। पामैन कहता है, हम दोनों ये पहले भी कर चुके हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। देखो अगर हमने ऐसा नहीं किया तो उस आदमी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म करोगी। पाको बोलती है, सिर्फ उस आदमी के लिए और कुछ नहीं। पामैन मिस्टर अजीरो के पास जाता है और उनसे बोलता है, देखिए मिस्टर अजीरो, मैं आपके लिए इतने कम टाइम में नए परफॉर्मर तो नहीं ला सकता, पर
हम एक चीज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो, मिस्टर जीरो कहते हैं, तुम जो चाहो वो करो, पर प्लीज मेरी इज्जत बचा लो, तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने देने के लिए तैयार हूँ। पामैन कहता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप चाहें तो मैं और मेरी एक फ्रेंड परफॉर्म कर सकते हैं, हम काफ़ी अच्छा डांस कर लेते हैं और हम ये वादा करते हैं कि हम आपके सभी गेस्ट को काफ़ी अच्छे से एंटरटेन करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। मिस्टर अजीरो के पास कोई चारा नहीं था तो वो कहते हैं, मैं तैयार हूँ, तुम प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लेना। पामैन कहता है, उसकी फिक्र आप बिल्कुल मत कीजिए। पामैन पूछता है, हमें कब तक वहाँ पहुँचना है? मिस्टर अजीरो कहते हैं, अभी मेरे साथ चलो। पामैन कहता है, अच्छा ठीक है, आप अपनी कार में जाइए, हम पीछे पीछे आते हैं। और मिस्टर जीरो अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं। पामैन भी पाको के पास जाता है और उससे बोलता है, हमें अभी चलना है। पाको बोलती है, इतना जल्दी? पामैन कहता है, हाँ इतना जल्दी। और वो दोनों मिस्टर जीरो की कार के पीछे पीछे जाने लगते हैं। वो सभी लोग बहुत जल्द इवेंट स्पॉट पर पहुँच जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो मिस्टर जीरो उन्हें उनके ड्रेसेस देते हुए कहते हैं, तुम परफॉर्म कर तो पाओगे ना? पामैन कहता है, मैंने आपसे कहा ना, बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे। मिस्टर अजीरो कहते हैं, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। परमैन पाको से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें मेरे साथ परफॉर्म करने में काफ़ी ज़रा इनकम्फर्टेबल फील होगा, पर प्लीज़ मेरे लिए नहीं तो मिस्टर अजीरो के लिए कोऑपरेट करना। पाको बोलती है, अच्छा ठीक है। और वो दोनों स्टेज पर जाते हैं। जैसे वो दोनों स्टेज पर जाते हैं, सभी गेस्ट कहने लगते हैं, परमेंस यहाँ क्या हमारे लिए परमेंस परफॉर्म करेंगे? और सभी लोग बहुत ज़्यादा चेयर्स करने लगते हैं। और इतना ज़्यादा सपोर्ट देख के परमैन और पाको के भी अंदर से बहुत ज़्यादा हिम्मत आती है। परमैन पाको की तरफ हाथ बढ़ाता है और म्यूज़िक स्टार्ट होता है। पाको परमैन का हाथ पकड़ती है और दोनों अपना फ्री स्टाइल डांस शुरू करते हैं। दोनों को स्टेप्स थोड़े बहुत याद थे इसलिए वो कर पा रहे थे। लोगों को भी उनका डांस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा था। उन दोनों की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग थी। वो दोनों सभी को अच्छे से एंटरटेन कर रहे थे। अब एक काफ़ी ज़रा शानदार स्टेप आता है और इस स्टेप में पाको का काफ़ी मेन रोल होता है। पर प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पाको को ये स्टेप अच्छे से क्लियर नहीं होता क्योंकि उस दिन से अभी तक काफ़ी ज़रा टाइम हो गया है। परमैन पाको से बोलता है, तुम ठीक से नहीं कर रही हो। पाको बोलती है, मुझे स्टेप सही से याद नहीं आ रहा है, अब मैं क्या करूं? परमैन बोलता है, हमें कुछ तो करना होगा। और वो सिचुएशन को संभालने के लिए पाको से बोलता है, जैसा मैं कर रहा हूं तुम बस उसे रिपीट करो। पाको बोलती है, चलो ठीक है। अब परमैन अपस्टाइल स्टेप्स को परफॉर्म करने लगता है जो कि काफ़ी ज़रा टफ होते हैं, पर उसे ये स्टेप्स काफ़ी अच्छे से आते थे। और इन स्टेप्स में पाको का कोई रोल भी नहीं था, उसे सिर्फ उसके साथ अच्छे से कोऑपरेट करना था। अब एक बेहद शानदार स्टेप्स आता है जहाँ पर परमैन को पाको को हवा में उछालना था और हवा में उछालने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी क्योंकि उनके पास उनके चोगे थे। परमैन और पाको ने आज का माहौल शानदार तो बना ही दिया था और इस माहौल में चार चांद लगाने के लिए अब वो एक फाइनल स्टेप करने वाले थे जहाँ पर परमैन पाको को घुमा के अपनी बाहों में भरने वाला था। और पाको को सच में इसकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। पाको सच में जब नीचे आती है तो परमैन उसे तेज़ी से घुमाता है और अपनी बाहों में भर लेता है। सभी के सभी गेस्ट इस स्टेप को देख के काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े होकर उनको ऑन बोर्ड एप्रिसिएशन देते हैं। और मित्सु और सुमेरे भी ऐसे एप्रिसिएशन को पा के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर सभी को थैंक्स बोलने लगते हैं। मिस्टर अजीरो स्टेज पे आते हैं और सभी गेस्ट से पूछते हैं कि आपको आज की परफॉर्मेंस कैसी लगी। सभी गेस्ट जवाब देते हैं, हमें परफॉर्मेंस काफ़ी ज़रा अच्छी लगी। इंस्टेंट कुछ लोग तो ऐसा भी कह रहे होते हैं कि हमने आज तक ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देखी। और वो लोग मिस्टर अजीरो को थैंक्स कह रहे होते हैं। मिस्टर अजीरो कहते हैं, आप मुझे नहीं परमैन को थैंक्स बोलिए क्योंकि अगर वो ना होता तो आप लोग ऐसी परफॉर्मेंस कभी नहीं देख पाते। और सभी लोग परमैन को थैंक्स कहने लगते हैं। परमैन कहता है, आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, पर आप सिर्फ मुझे नहीं मेरे साथ मेरी पार्टनर पाको को भी थैंक्स बोलिए क्योंकि उसने भी अपना बेस्ट दिया है। मैंने तो सिर्फ एक मीडियम क्रिएट किया पर यहाँ पर मेन रोल पाको का ही था, तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए भी तालियां बजाइए। और सभी लोग पाको के लिए तालियां बजाने लगते हैं और पाको को ऐसा देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो परमैन की तरफ देख के एक गहरी सी सोच में पड़ जाती है कि ये किस मिजाज का बंदा है, कभी ये मेरा दिल तोड़ता है, मुझे हर्ट करता है और कभी इतना इम्प्रेस कर देता है, मुझे तो समझ नहीं आता आखिर ये चाहता क्या है। इसके बाद मिस्टर अजीरो कहते हैं, आप लोग जाइए और वहाँ पे चेंज कर लीजिए। उसके बाद सभी गेस्ट खाना खाने के लिए ईट आउट एरिया में चले जाते हैं। सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार खाना प्रिपेयर किया गया था और परमैन और पाको भी वहीं पर मौजूद थे और खाना खा रहे थे। सभी गेस्ट परमैन और पाको को घेरे हुए कई तरह के सवाल कर रहे थे, क्या आपने इस परफॉर्मेंस को पहले से प्रिपेयर किया हुआ था, क्या आप दोनों फुल टाइम डांसर हैं, क्या आप दोनों किसी क्लब से ही बिलोंग करते हैं। और यहाँ पर तो एक बच्चा उनके पास आके ऐसा सवाल करता है जिसके बाद परमैन और पाको का पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। वो बच्चा कहता है कि आप दोनों कपल हैं। परमैन कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। वो बच्चा कहता है, आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। और जितने भी लोग उनके आसपास खड़े हुए थे वो कहने लगते हैं, हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है।
आप दोनों साथ में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और पाको और परमन बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं, पर उन्हें अच्छा भी लग रहा होता कि लोग उन्हें सब कपल कंसिडर कर रहे हैं। इसके बाद सभी गेस्ट का खाना हो जाता है तो मिस्टर जीरो सामने आते हैं और कहते हैं आज का इवेंट बहुत ज़्यादा शानदार रहा, हम उम्मीद करते हैं कि हम आगे भी ऐसे इवेंट होस्ट करते रहेंगे और स्पेशल थैंक टू आवर परमेंस कि उन्होंने आज इस इवेंट में मौजूद होकर इस इवेंट पर 4 चांद लगा दिए। तो अब आप सभी लोग धीरे धीरे अपने गिफ्ट्स लेके गेट से बाहर जाइएगा और धक्का मुक्की मत कीजिएगा। और मिस्टर जीरो वहाँ से चले जाते हैं और वो परमन और पाको को अपने साथ बुलाते हैं। इसके बाद सभी गेस्ट धीरे धीरे अपने गिफ्ट्स लेके वहाँ से जाने लगते हैं। जब परमन और पाको मिस्टर जीरो के पास पहुँचते हैं तो उनसे कहते हैं थैंक्स परमन, थैंक्स अ लॉट, तुमने आज मेरी रिस्पेक्ट सिर्फ बचाई नहीं उसे और बढ़ा दिया। अब मार्केट में लोग मेरे बारे में और बातचीत करेंगे और ये सिर्फ तुम्हारी वजह से होगा, मैं तुम्हें जितना थैंक्स बोलूँ उतना कम है। परमन कहता है आप हमें थैंक्स मत ही बोलिए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये तो हमारा फ़र्ज था, हम लोग सबकी मदद करते हैं। मिस्टर अजीरो अपनी पॉकेट में हाथ डालते हैं और पैसे देने लगते हैं। परमन कहता है ये आप क्या कर रहे हैं? मिस्टर अजीरो कहते हैं आप इसे डिज़र्व करते हैं, प्लीज़ इसे रख लीजिए, नहीं तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। परमन कहता है अगर आप हमें ये देंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, ये हम नहीं ले सकते। पाको बोलती हाँ हम इसे बिल्कुल नहीं ले सकते। मिस्टर जीरो कहते हैं प्लीज़ आप इसे रख लीजिए। परमन कहता है मैंने कहा ना मिस्टर जीरो हम इसे नहीं रख सकते, ये हमारा काम है, अगर आपने हमें ये दिया तो आज के बाद हम कभी भी आपकी हेल्प नहीं करेंगे। मिस्टर जीरो कहते हैं अब आप इतना कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, पर अब जो गिफ्ट मैं आपको दे रहा हूं, अगर वो आपने लेने से मना किया तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। परमन कहता है ऐसा कौन सा गिफ्ट है? मिस्टर जीरो कहते हैं मैं आपको मर्सन पार्क में 2 दिन की छुट्टी का ट्रिप देता हूं, प्लीज़ इसे ले लीजिए। परमन कहता है ये हम नहीं ले सकते। मिस्टर जीरो कहते हैं ये तो आपको लेना ही होगा, और वो टिकट दे के वहाँ से चले जाते हैं। अब परमन पाको की तरफ देख रहा होता है, पाको परमन की तरफ देख रही होती है। परमन बोलता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? पाको बोलती है बिल्कुल नहीं, और वो वहाँ से निकलने लगती है। परमन पाको का हाथ पकड़ लेता है और कहता है हे तुम इतने गुस्से में क्यों हो? पाको बोलती है तुमने आज मेरे साथ जो किया उसके बाद तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं गुस्से में क्यों हूँ? वाह परमन वाह, तुम गलतियाँ करते हो और फिर भूल जाते हो, दिल तोड़ना तो तुम्हारा शायद फैमिली बिजनेस है ना, तभी तुम इतने अच्छे से कर लेते हो। परमन कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी सच में? पाको बोलती है मैंने एक बार कहा ना मैं नहीं चलूंगी, और वो वहाँ से सच में जा ही रही थी। परमन पाको का हाथ पकड़ता है और जैसे उसने उसे स्टेज पे घुमाया था वैसे ही घुमाते हुए अपनी बाहों में भर लेता है। अब वो अपने मनी मन में सोच लेता है बर्डमैन आएंगे तो साफ साफ कह देगा कि आप अपना परमन सेट वापस ले लीजिए, पर मैं पाको के साथ अपने रिलेशन को डिमोलिश नहीं कर सकता, आप जो चाहिए कर लीजिए, लेकिन मैं तो पाको के साथ ही रहूँगा और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। पाको बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो? परमन कहता है जो मुझे शायद बहुत पहले करना चाहिए था। पाको बोलती है मींस, और परमन पाको का हाथ पकड़ता है और अपने घुटनों के बल बैठते हुए बोलता है पाको आई लव यू सो मच, जो मैंने तुमसे आज सुबह कहा उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, और जो मैंने तुमसे आज सुबह बोला वो सबका सब झूठ था। पाको बोलती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? परमन कहता है बिल्कुल नहीं, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, आई लव यू सो मच, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हारा बन के रहना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? अब पाको परमन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो कहती है परमन मैं नहीं जानती कि तुम झूठ बोल रहे हो या फिर सच, पर अगर ये सच है तो हाँ मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलना चाहूँगी। और परमन पाको को हक करते हुए कहता है आज के बाद हम दोनों कभी एक दूसरे से दूर नहीं होंगे, और मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें आज के बाद कभी हर्ट नहीं करूँगा। और वो दोनों ऐसे गले लगे रहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें बर्डमैन ने अपनी स्क्रीन पे देख ली थी, और वो वहाँ से टेलीपोर्ट जाते हैं और डायरेक्ट परमन और पाको के पास पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते तो वो कहते हैं तुम दोनों नहीं। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं आज के हमारे इस पार्ट को, आई होप आप सभी लोग को पसंद आया होगा ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा है, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सभी लोग को चैनल के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में ऐसे शानदार कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड, सायोनारा।